बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ के साथ अगली नशस्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 01922490। इस नंबर पे आप बराए रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात कर सकेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ीर आज़म साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम कॉलर्स की तरफ जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले आज कोरोना के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में चौथा कोरोना का वेव आया हुआ है और ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये जो इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो हिंदुस्तान से आया है, ये बाकी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और इसलिए मैं ज़रा शुरू में दो तीन आपसे बातें कर दूँ। देखिए, अल्लाह ने अभी तक हमारे पे बहुत करम किया। हमने फ़ैसले सही किए, मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन टाइम पे फ़ैसले किए। उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी मईशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। और हमारी मिसाल दी जाती है दुनिया में। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से ये दो रास्तों के बीच में अपने मुल्क को बचा के निकल गया। यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अपनी मईशत को बचाना। तो पाकिस्तान उन तीन मुल्कों में से, और वो जो दो ऊपर के मुल्क हैं न्यूजीलैंड और हांगकांग गालिबन, वो छोटे छोटे मुल्क हैं। उनके लिए 40-50 लाख, 60 लाख लोग होंगे। यहाँ 22 करोड़ लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालना, ये अपनी एनसीओसी जो हमारी टीम बैठी थी जिसने हमें एडवाइस किया, मुसलसल साइंटिफिक फैसले करवाए, दुनिया का डेटा देखा, और उसके बाद हमारी कौम ने भी हमारे साथ बड़ी, यानी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी आपने हमारे साथ तावन किया। एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि मस्जिदें सारी दुनिया में, रमज़ान में मस्जिदें बंद हुई पाकिस्तान में, और अपने उलमा का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फिर वो जो SOPs हमने कहा था कि एहतियात करें मस्जिदों में जाते हुए, वो आपने की। लेकिन ये जो चौथा अब फेज़ है, इसमें मैं अपनी कौम के सामने ये जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। मास्क पहनने से सारी दुनिया का भी यह तजर्बा है कि 60-70% चांस कम हो जाती है फैलने के लिए। तो पहले तो मैं सबसे आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मास्क, जिधर लोग ज़्यादा हैं मास्क पहने। बाहर फिर भी गुजारा हो जाता है अगर फासले पे लोग और खुला आसमान हो, लेकिन कमरों के अंदर जितने भी लोग, ज़्यादा लोग एक कमरे में कम जगह पे हैं, उधर हमेशा मास्क पहने। हमारा थोड़ा सा मसला हुआ हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें, और मैं फॉलो कर रहा था। देखिए मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेज़ी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी मईशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है ख़ास तौर पर, जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घरों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा? सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली,
आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुरबत देखें, उनकी मईशत का हाल देखें, वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी हुई, क्योंकि उनके उनकी गवर्नमेंट ने एकदम लॉकडाउन कर दिया सोचे समझे बगैर कि बेचारे लोगों को क्या बनेगा, लोग ट्रैवल किस तरह करेंगे, बाहर से मजदूर काम करने आए देहातों से। उन्होंने इसका कुछ नहीं सोचा, उन्होंने ऊपर की क्लास का सोचा जो हमारी तरह के लोग हैं जिनको एकदम खौफ हो गया जब देख रहे हैं कि तेज़ी से फैल रही है, लोग मर रहे हैं, हम जाने वाले लोग। तो उन्होंने सिर्फ एलीट का सोचा, ऊपर के लोगों का सोचा जो पैसे वाले हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि वो नीचे जो लोग हैं, जो जो मेहनत कश बेचारे लोग हैं, उनका क्या बनेगा। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने जहन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुँचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। मैं अगर मेरे बच्चे भूखे हैं घर में, तो मुझे आप कैसे कहेंगे कि नहीं जी आप बाहर ना जाएं क्योंकि लोगों को कोरोना फैल जाएगी। तो इसलिए हमारा अब तक यही अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए, दोनों तरफ मसले हैं, एक तरफ मायशत है, एक तरफ हमारी कोरोना का फैलना है, तो ये बड़ा सोच समझ के इसमें से निकलना है। तो जो स्मार्ट लॉकडाउन है, यानी कि इलाके जो ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है, उनको मसलन शादी, जब लोग शादी पे खाने पे इकट्ठे होते हैं तेज़ी से फैल जाती है, रेस्टोरेंट्स में तेज़ी से, तो उधर तो थोड़ी देर करें। स्कूलों में जब तक बच्चों को और टीचर्स को टीके ना लगाएं, स्कूल भी ना खोलें, क्योंकि स्कूलों में भी बड़ी जल्दी फैल जाता है। तो असल इसका इलाज एक ही है, वैक्सीनेशन, टीके लगाने का। अभी तक पाकिस्तान ने 3 करोड़ लोगों को अब तक हम टीके लगा चुके हैं, और जिनके नहीं लगे, और ख़ास तौर पर जब आप समझते हैं कि उधर आपके काम हैं, जिधर ज़्यादा लोग हैं, आपको फौरी तौर पे टीके लगवाने चाहिए। हम अब पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोई कमी ना हो हमारी वैक्सीनेशन पे, लेकिन इसका हल सिर्फ वैक्सीनेशन है, टीका लगाना। उसके अलावा हिकमत इस्तेमाल करते हुए हमें इसमें से निकलना पड़ेगा, लेकिन किसी सूरत हमारी मईशत इतने मुश्किल वक्त से निकली है, और अल्लाह का करम है कि अब ऊपर जा रही है। हमने किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी मईशत को तबाह नहीं करना। जी, प्रोग्राम के पहले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं बात कर रही हूँ, कबर जंग। जी जी, क्या बात करेंगे आप वजीर आजम साहब से? जी मैं बात करना चाह रही हूँ कि वजीर आजम साहब से, मेरे शोहर कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, और वो आउटडोर कॉलेज की बीमारी से मुकम्मल बेड पर है। मेरी 3 बेटियां हैं जिनकी शादियां करनी है, बेटा भी नहीं है। मैं किराए के मकान में मुश्किल वक्त में गुजारा कर रही हूँ। अखराजात और शोहर की बीमारी पर आने वाले अखराजात की वजह से मैं मकरूज भी हो चुकी हूँ। तो आज से 10 साल पहले हमने 60 लाख रुपए मुजारबा कारोबार में लगाया था, वो बंदा पैसे लेके भाग गया, फिर नैब ने इसको पकड़ लिया। 10 साल हो गए हैं केस नैब में ही है। नैब ने रिकवरी के लिए हमें कहा था कि रिकवरी हो रही है, लेकिन हमें तो कोई ऐसी इतला भी नहीं मिली और ना ही हमें कोई पैसा मिला है। तो इस तरह करते हैं कि अगर आप इनको कांटेक्ट करके इनसे पूछ लेंगे, तो हम फिर पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो ये इसको जो केस है, इसको हम तेजी से सॉल्व करें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ 9224900, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। 10 लाइंस हैं इस नंबर पर, और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को हम प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से और क्या बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब? मैं सईद बहादुर अली सालिक इम्तियाज बोल रहा हूँ, जीबी के इलाके गुलशन कबीर सियाचिन के दामन से बोल रहा हूँ। जी जी, मैं बड़ा खुशकस्मत आदमी हूँ कि अपने मुल्क के पहले अब तक के ऐसे आउटस्टैंडिंग विजनरी, शफाफ, पेलोस, मुखलिस और दिलेर वज़ीर आज़म से बात करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़ी फराखदली के साथ 270 अरब रुपए का खसूसी पैकेज दिया जीबी को, जिसमें हमारे वज़ीर आला का भी हाथ है, उनकी कोशिशें हैं। मैं
बल्तिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तीन अहम मसाइल की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आज़म इन पर खुसूसी तवज्जो फरमाएंगे। पहला मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत पसमानदा और दूर उफ्तादा इलाका है और भुट्टो मरहूम की हुकूमत में सब्सिडी गंदम पर दी गई थी। उस वक्त की आबादी और आपकी आबादी में बड़ा फर्क है, आज दुगने से भी ज़्यादा पड़ चुका है, इसमें खातिर ख्वाह इजाफे की ज़रूरत है। दूसरा मसला ये है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक इन इलाकों में सियाहत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पहली मरतबा मुल्क के तमाम शहरों से परवाजें आ रही है, बैरूनी परवाजें भी शुरू होने वाली है और बैरोड भी लोग सयाह बहुत से इन इलाकों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सहूलतों का फुकदान है, अफरा तफरी का आलम है, पेट्रोलियम की शार्टेज है और बिजली और नेट का निज़ाम सही नहीं है, तो इन चीज़ों को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। छोटी सी इंतज़ामिया इस पर काबू पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुजारिश यह है कॉलर से कि अपनी बात को मुख्तसर रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके कि वज़ीर आज़म साहब से वो बात कर सकें। हम अगले कॉलर की जानिब जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी मैं काशिफ जुवेद बात कर रहा हूँ, गुजरनावाला से। जी जी क्या बात करेंगे जी वज़ीर आज़म साहब से आप? जी सर मेरे वज़ीर आज़म बात सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम वसीम अज़हर से मेरा तल्लुक है और हर महक में हमारा 5% कोटा आता है जो कि करता दराज से हमें नहीं दिया जा रहा, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके दौरे हुकूमत से हमें बहुत सी उम्मीद है और हम मेरिट के बावजूद भी हमें ये सीटें नहीं देते, पूरी अकलियत का यही मसला है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे जो हकूक है वो हमें दें। और सिटीजन पोर्टल के अलावा मैंने 30 से ज़्यादा महकमों में दरख्वास्त दी है लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला, तो मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। ओके ये मैं आपका नोट कर लूँ, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि आपको इसका कोटा मिलना चाहिए। मैं ये अब सारों को डायरेक्शन दूंगा क्योंकि असल में ये सूबों के पास है सब कुछ, सेंटर तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट तो छोटी सी है, असल में तो सूबों के पास नौकरियां सारी, तो मैं सारे सूबों को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि जो आपका कोटा है वो उनको आप सबको मिले। जी अगले कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब मैं हबीब अकरम अर्ज कर रहा हूँ, मैं दुनिया डी सी में काम करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। दरअसल आज मैंने ये कॉल इसलिए बुलाई थी कि मैं देख सकूँ कि क्या वाकई लाइव कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स इसमें आ रहे हैं, लाइव कॉल्स आ रही हैं, कहीं फैसल जावेद साहब कहीं आप तो इधर उधर से कॉल्स नहीं करवा रहे या वज़ीर आज़म से बराह रास्त ही लोग बात कर रहे हैं, तो लिहाजा मैंने भी सोचा कि मैं आज अपनी खबर लाऊंगा कि अगर मेरी कॉल ना मिली तो फिर मैं प्रोग्राम में बैठ के कहूंगा कि जनाब देखिए कॉल्स तो मिलती नहीं है, लेकिन मेरी कॉल मिल गई और मेरी खबर रह गई। मुझे अंदाजा है वज़ीर आज़म साहब ये सहाफ़ियों का वक्त नहीं है, जब भी आपसे मुलाकात होती है आपसे सवालात भी हम कर लेते हैं, लेकिन एक शहरी के तौर पर मैं लाहौर के एक छोटे से मसले के बारे में आपकी तवज्जो चाहूँगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल को जो सड़क जाती है उसका एक हिस्सा तो बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ पे जो जो जिसपे कोई इशारा नहीं है, लेकिन एक हिस्सा है जो तकरीबन 3 किलोमीटर का, उसके ऊपर 4 जगह बॉटल नेक्स बनते हैं और वहाँ पे किसी पुल की जरूरत नहीं, किसी अंडरपास की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से यू टर्न को बेहतर मैनेज करके वो हल किया जा सकता है वो मामला। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर साहब अगर आप इस तरफ तवज्जो कर दें या पंजाब हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो हो जाएगा, लेकिन बहरहाल मुझे यकीन आ गया कि आप बराह रास्त लोगों से बात कर रहे हैं। जी हबीब मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूं, देखें कौन से सरबरा मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं, वो कौन से ऐसे सरबरा होते हैं, या उन्होंने कानून तोड़ना होता है या उन्होंने मुल्क की जो 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 रूल ऑफ लॉ होता है यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं, और या फिर जो करप्ट होते हैं। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हो जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आज़ाद मीडिया से डर लगेगा। मैं आपको ये वाज़े कर दूँ कि आज़ाद मीडिया
जो आज़ादी राय है ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये हमारी तरह के लोगों को सारा वक्त आगे करते हैं। अब आपने बताया ना ये कि जी वहाँ चार जगह लोग रुकते हैं जौहर टाउन जाते हुए, वो दूसरी सड़क है, तो वो यही मीडिया का काम होता है, वॉच डॉग होता है मीडिया। मुझे सिर्फ मीडिया से इख्तलाफ तब होता है जब फेक न्यूज़ बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है गवर्नमेंट को। मसलन ये जो ईयू की जो डिसइंफॉर्मेशन लैब में चीज़ें सामने आई हैं कि हिंदुस्तान ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको फीड कर रहे हैं पाकिस्तान से सहाफ़ी, जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ उधर मसला होता है। आप जो सही सहाफ़त है, मैं फिर से कहता हूँ, जो तनकीद होती है मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जी आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, 0519224900 ये नंबर है। हम ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से तूलो अरसे लोग कोशिश कर रहे होते हैं, ओवरसीज़ से भी लोग कोशिश कर रहे होते हैं। हमने लाइंस बढ़ा दी हैं, ये एक नंबर जो है इस पर 10 लाइंस अब हो गई हैं, लेकिन बहरहाल आप कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जहांगीर बोल रहा हूं, दुबई से। जी जी, क्या बात करेंगे वजीर आजम साहब से आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद जहांगीर बोल सलाम दीन दुबई से बोल रहा हूँ सर। मैं फॉरवर्ड कोटे का रहने वाला हूँ। जी जी। हेलो। जी जी, आ रही है आवाज? मैं फॉरवर्ड कोटे का रहने वाला हूँ सर। ठीक है। मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ। जी जी। हेलो। जी जी, आप? मैं रिटायर आर्मी रिटायर हूँ। मैं इधर दुबई में आके थोड़ा जॉब लिया और मेरी पेंशन बंद हो गई है। पहले 30 महीने बंद की रही है और मैं छुट्टी किया, जाने के बाद वो बाल की उन्होंने मेरे काफी सारे पैसे लगे उसके ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वो हमसे NOC मांग रहे हैं, तो NOC हमारे पास तो नहीं, हम सफारखाने से कागजात भेजते हैं लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, आप जब आपको कोई कॉल करेगा आप अपनी पूरी तफसील दें और इंशाल्लाह हम आपकी पेंशन बहाल करेंगे। जी हमारे साथ अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? विदर अहमदुल्लाह बोल रहा हूँ क्वाट से। जी जी, क्या सवाल है जी आपका? सर मेरा ये है कि मैं फौज में, मैंने 34 साल आर्मी में नौकरी की है, तो 65-71 वार में भी हिस्सा लिया है। जब मैं 34 साल के बाद आया तो मेरा बड़ा भाई है, उसने हमारे सारे भाई जमीनों पे कब्जा किया है और अभी तक जो है ना उसका उसने अपने पास जमीन रखी है, मुझे अपना हिस्सा नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर कोई अदालत में गए हैं, कोई आपके पास कोई कानूनी कार्रवाई की है? सर 97 से मैं अदालत में कर रहा हूँ। 97 से अदालत? हाँ 97 से कह रहे हैं अदालत में गया हूँ। तो इसकी आपकी हम इस तरह करेंगे कि आपकी तफसील ले लेंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपका केस आगे बढ़े। जी कंट्रोल रूम में आपका नंबर है तो आपसे वजीर ऑफिस की जो टीम है वो रब्ता करेगी। जी आप हमसे रब्ता कर रहे हैं 0519224900 इस नंबर पे, साथ ही में सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवालात पोस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी जो अगली हमारी ये आपका वज़ीर आज़म प्रोग्राम होगा उसमें फिर हम बताएंगे आपको कि क्या मसले आए। जो जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये हम अगले प्रोग्राम पे आपको बताएंगे कितने हल हुए और अगर हल नहीं हुए तो उसका मसला क्या है। जी उसके साथ एक और नंबर भी आप नोट फरमा लीजिए, वो है सिटीज़न पोर्टल का। सिटीज़न पोर्टल पे एक तो ऐप है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा एक टेलीफोन नंबर भी है जिस पे आप रब्ता करके अपनी शिकायत वहाँ पर भी दर्ज करवा सकते हैं और वो नंबर है 0519000111 ये नंबर है। जी अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब से बात कीजिएगा। जी
सर मोहम्मद बख्श राजनपुर से बात कर रहा हूँ। खान साहब खैरियत से हैं? ठीक हैं सर जी, मेहरबानी, शुक्रिया। खान साहब मेरी अर्ज है कि मैं वफाक की जमीन काश्त करता हूँ, एक आम काश्तकार और अनपढ़ इंसान हूँ। मैंने ठेके पे ली हुई है, हर साल मैं उसके पैसे भी अदा करता हूँ सारा कुछ। हुकूमत की 19 और 20 में एक पॉलिसी बनाई गई थी, हमारी फसलों का नुकसान हुआ था, उसमें इमदाद दी गई थी, मुझे शामिल नहीं किया गया जबकि मैं कमा के खुद हुकूमत को देता हूँ। और दूसरी बात यह है खान साहब के पंजाब गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो असर रसूख वाले लोगों को मिल रही है मिली भगत के साथ। मैंने सेक्रेटरी लाहौर तक अपने जोर लगाए हैं, दरखास्तें दी हैं, फोन भी किया है, किसी ने नहीं सुनी। हम काश्तकार हैं, हम एक मान बेचने जाते हैं तो हमसे 1 किलो इजाफी लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट की हुकूमत कोई टैक्स नहीं लेती है काश्तकारों को, जबकि 600 रुपया 1 लाख के पीछे इनकी ऑनलाइन पेमेंट आती है, टैक्स भी ले लेते हैं। इसका आपको अभी इसके बाद प्रोग्राम के बाद टेलीफोन आएगा मेरे ऑफिस से, ये आपने पूरी तफसील बतानी है और वो हम सारी पंजाब गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और ये भी पता चलवाएंगे कि ये जो आपकी जो ज़मीन आप काश्त कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की, इसके ऊपर भी हम पूरा देखेंगे कि हम इसमें भी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। जी वज़ीर आज़म साहब, एक सवाल सोशल मीडिया पर आया है कि एहसास प्रोग्राम का दायरा कार जो है उसको कब तक वसी किया जाएगा? देखिए एहसास प्रोग्राम के तो काफ़ी इस वक्त कर्ज़े भी दिए जा रहे हैं, देहात के अंदर ख्वातीन को मवेशी और चीज़ें दी जा रही हैं ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। लेकिन जो एक सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है वो हमारे जो डेटा सारे पाकिस्तान का अब हमें मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है कि सारे पाकिस्तान का अब हमें पता चल गया है कि कितने घराने हैं इस मुल्क में जिनकी कितनी आमदनी है, फिर उससे ऊपर कितने घराने हैं, फिर उससे ऊपर। अब हमारे पास डेटा ऐसा आ गया है कि हमें अब डायरेक्ट लोगों को हम यानी हमें पता चल जाएगा, मसलन अगर आटे की कीमत ऊपर जाती है तो कौन से घराने होंगे जो ज़्यादा मुतासर होंगे, जिनकी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा चला जाता है खाना पीना की चीज़ों के ऊपर, तो उनको फिर हमने डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे। और ये दिसंबर से शुरू हो जाएगा, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में होगा कि हम 40% जो निचला तबका है हमारा उसको डायरेक्ट हम उनको सब्सिडाइज करेंगे, यानी खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई से बचाने के लिए उनके पास डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह दिसंबर में शुरू हो जाएगा। जी यहाँ पे वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद फिर हम दोबारा हाजिर हूँ। आज़म आपके साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म साहब, सोशल मीडिया पे एक सवाल आया है कि तलहा तालिब ने ओलंपिक्स में बग़ैर हुकूमत के सपोर्ट के वेट लिफ्टिंग में मुल्क का नाम रोशन किया और सिर्फ चंद किलोग्राम से तगमे से वो महरूम रहे। वज़ीर आज़म साहब, 22 करोड़ के मुल्क में स्पोर्ट्स का इतना बुरा हाल है, आप हमेशा से बात करते रहे हैं टैलेंट की, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स का जवाल क्यों? देखिए मैं इसमें इस ज़रूर कहूँगा कि मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा, मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि और ख़ास तौर पर मईशत का जो हालात है और जो फिर उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ़ थी, महंगाई थी, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो चली गई कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। देखिए मैंने पाकिस्तान को कि स्पोर्ट्स को देखा हम जब छोटे थे, जैसे हॉकी में पाकिस्तान किधर था, फिर क्रिकेट में तो हमारे दौर में देखते देखते पाकिस्तान नीचे से आके वर्ल्ड कप जीत गया और दुनिया की टॉप टीम बन गई, और स्क्वाश के अंदर हमारे पास दो जायंट्स थे जान शेर और जहांगीर खान, जिन्होंने 10-10 साल दुनिया की स्क्वाश को डोमिनेट किया, तो हमने वो दौर देखा हुआ है। और फिर डिक्लाइन देखी इसकी, और बदकिस्मती से जो हम नीचे आए ना पाकिस्तान में, ये जो दो ख़ानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है, एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। पैसे लूटने के लिए आपको इदारों को कमज़ोर करना पड़ता है, मसलन अगर आपके इदारे ठीक हो मैं पैसा कैसे बनाऊंगा,
मैं FBR को अपना आदमी बिठाऊंगा, मैं अगर नेशनलाइज बैंक्स को लूटना है तो उधर अपने प्रेसिडेंट्स बिठाऊंगा, उनके ज़रिए लोन्स लूंगा, माफ़ करवाऊंगा। तो सारे आहिस्ता आहिस्ता जो इदारे नैब, अब नैब कब से फंक्शन कर रही है, पहली दफ़ा है कि बड़े बड़े नामों को नैब ने पकड़ा, पहले तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ती थी, तो नैब के होते हुए करप्शन बढ़ती जा रही थी। अब शोर जो मचा हुआ है वही कानून है, वही नैब है, वही 20 साल से कानून है। वो तब तो 10 सालों में जब ये थे तो उसको नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने अपने आदमी बिठा के तो नैब को बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए किया हुआ था, बेशर्मी से और बेदर्दी से मुल्क को लूटा, क्योंकि पता था नैब ने अपना आदमी बिठाया हुआ है। अब उसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल गई हैं सबकी। सो इसी तरह जिस तरह नैब का इदारा तबाह किया, उसी तरह सारे इदारे तबाह हुए। स्पोर्ट्स के इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा दिए, सिफारिशी बिठा दिए, वो स्पोर्ट्स देखते देखते हमारी आंखों के सामने किधर से किधर पहुंच गई। देखें स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, ये समझने की बात है कि हमारा दुनिया से मुकाबला हो रहा था, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे होते। अब दुनिया के अंदर जिधर उनके इदारे अच्छे होते हैं वो मुसलसल अपनी स्पोर्ट्स को और कंपेटिटिव करते जा रहे होते हैं, वो नई टेक्निक सोच रहे होते हैं, वो अपने मेरिट को ऊपर लाने के बेहतर तरीके सोच रहे होते हैं, वो अपनी जो लेटेस्ट ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं वो लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं इदारों के ऊपर। हमारा मसला क्या है कि हम वो जहांगीर खान और जानशेर खान 10-10 साल स्क्वाश के वर्ल्ड चैम्पियन बन गए, किसी ने यही नहीं सोचा कि स्क्वाश को एक इदारा बनाया जाए पाकिस्तान में जिधर सारे मुल्क से कॉम्पटिशन करें और टैलेंट उन दो के सर के ऊपर हमने समझा कि जना हमारी स्क्वाश बहुत अच्छी है। जैसे ही वो दो गए पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया। हॉकी का भी वही था, हमारे पास ग्रेट प्लेयर्स थे तब तक, ये ग्रास के ऊपर हॉकी होती थी, हमारी टैलेंट बेहतरीन था, हम सबसे बेहतर टैलेंटेड थे, लेकिन जैसे जैसे वो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर आए और गेम चेंज हुई, हम साथ चेंज नहीं हुए और हमारे पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। आज ये भी दिन देखना कि पाकिस्तान की हॉकी क्वालिफाई ना करे ओलंपिक्स के लिए। सो इसका तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उस पर प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद इस आखिरी 2 सालों में मैं पूरा ज़ोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी, सारे ये जो हॉकी फेडरेशन है इसके ऊपर पूरा इनके हालात देखने लगा हूँ। क्रिकेट का मैं देख ही रहा हूँ लेकिन इतना मैंने अब उस पर भी ज़ोर नहीं दिया, क्रिकेट के ऊपर भी ज़ोर लगाने लगा हूँ। लेकिन आखिर में बात यह, एक न्यूज़ीलैंड है, मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूँ, 40 या 50 लाख आबादी है, उन्होंने क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, एक वर्ल्ड कप है वनडे क्रिकेट का, एक टेस्ट क्रिकेट का, 40 या 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है उनको उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की चैम्पियनशिप हरा दी और उन्होंने वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंच गए। तो क्या वजह है, क्योंकि उनका सिस्टम बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड के अंदर ज़्यादा क्रिकेट ग्राउंड्स हैं सारे पाकिस्तान से, तो हमारी अगर 22 करोड़ आबादी भी है वो आबादी ने कहीं खेलना तो है। तो अब पहले तो मैं क्रिकेट ग्राउंड्स अब सबको कहा हुआ है कि यूनियन काउंसिल तक अब ग्राउंड्स बनाए, पहले हमने तहसील लेवल पे कहा था, अब नीचे तक ग्राउंड्स तक हमारे बच्चों को ग्राउंडें तो मिले खेलने के लिए, तब हम मुकाबला करें। अगर टैलेंट का क्या फ़ायदा अगर टैलेंट के लिए ग्राउंड ही नहीं है। सो पहले अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम ठीक करेंगे। देखिए सिस्टम तबाह करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब मैं पूरा अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दूंगा। जी आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, 0519224900 ये नंबर है जिस पे आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। हम अगले कॉलर की जानिब जाएंगे लेकिन गुजारिश ये है कि अपनी बात को मुख्तसर रखिएगा और जो भी आपका सवाल हो वो फौरन कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? मैं दीपा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, नूर मुकद्दम केस की आगाही है आपको, आपकी गवर्नमेंट इसको फॉलो भी कर रही है, काफी हद तक एविडेंस मिल चुके हैं कि आप ऐसे इकदाम यकीनी बनाएंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वकात से बचा जा सके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चोरी डकैती आम हो चुकी है, अगर कैपिटल की ये सिचुएशन है तो बाकी शहरों के क्या हालात होंगे आप जाहिर देंगे? मुझे समझ नहीं क्या नूर मुकद्दम केस के हवाले से। अच्छा 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 अच्छा,
देखें ये जो नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है, हुआ क्या। ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये दो दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है, तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये मुझे मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शॉक मिला है कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है, ये इसका बड़ा इम्पैक्ट गया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक और अफगान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं, तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज़, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज़ उसकी फॉलो की। यानी जो टैक्सी, तीन टैक्सी चेंज की, उसकी पूरे उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरा से पूरा उसको फॉलो किया, किधर गए, उनको ड्राइवरों को लोकेट किया, उनको इंटरव्यू किया, तो एक एक चीज़ फॉलो की है। तो इस केस के अंदर भी उसके अंदर ही उनके कैमरे लगे हुए थे, एक एक चीज़ इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सज़ा पूरी मिलेगी इस केस की। जी हमारे साथ अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा हूँ? रावलपिंडी से। जी जी, क्या सवाल है जी? जी सामिर खान सर, खान साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जिस तरह एनवायरमेंटल इशू पे काम किया है और ग्रीन ट्रीज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इसका सर सबसे बड़ा फायदा जो हमारे लिए नजर आ रहा है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जनरेशन को होगा। तो आप फर्स्ट लीडर हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं ना, तो थैंक यू वेरी मच फादर इसके लिए ना। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस तरह मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, रावलपिंडी का एरिया है अमरपुरा ना, तो यहाँ पे घर घर में बेसिकली फर्नीचर के कारखाने खुल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो गाड़ियों के वेयर हाउसेज वगैरह खुल रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में ना रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एरिया ज़्यादा बन रहे हैं और उससे रेजिडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ कि सारे जो पाकिस्तान में लोग ये देख रहे हैं, मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूँ कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाना है ये बरसात के अंदर। और सिर्फ लगाना नहीं, फिर उसका ध्यान रखना है, उसकी परवरिश करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बदकिस्मती से मुल्क में जिस बेदर्दी से हमने अपने मुल्क में अपने जंगलात तबाह किए हैं, हमने दरख्त काटे हैं, हमने कुछ सोचा नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए, ये शायद ही कोई मुल्क अपने ऊपर जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हो, जिस मुल्क को अल्लाह ने यानी जो जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं शायद मेरे ख्याल में किसी मुल्क को हों कि हमारे पास 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम जो ऊपर से जब K2 से जब हम जाते हैं समुंदर तक, तो हर जगह मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं। इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, हम अपने जंगलात बेहतर कर सकते थे, हम पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, हम अपने दरियाओं को उनका ध्यान रख सकते थे, हम अपने शहरों का, तो हमने ये कुछ नहीं किया क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं किसी की। लोग आते हैं, 5 साल का इलेक्शन हुआ है, अच्छा जी मैं क्या इलेक्शन के अंदर मैं कोई ऑरेंज ट्रेन दिखा दूँ, मैं कोई मेट्रो दिखा दूँ और 5 साल में कंप्लीट करके उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके कि जी देखें कितना बड़ा कारनामा किया।
ये कोई कारनामा नहीं है। आप पैसे दे आप मेट्रो लगा लें, आप पैसे दे आप ट्रेन बना, असल कारनामा है अपने आने वाली नस्लों की अभी से परवाह करें हम कि हमारे ये जो बच्चे बड़े होंगे तो क्या उनको पोल्यूशन किस तरह के शहर मिलेंगे, क्या वहाँ पानी ठीक होगा, शहरों में पानी मिलेगा, गंदगी किधर जाएगी, गंदगी दरियाओं में तो नहीं हम फेंक रहे, हम अपना अंडर वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी है इसके अंदर तो जहर नहीं डाल रहे। तो ये जब तक ये सिर्फ वो सोचते हैं जो आगे का सोचते हैं, जिनकी लंबी आगे के वो अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का सोचते हैं। इसलिए जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान में जो हम 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, ये हम अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क को, और ये इस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं उसकी नेमत का ध्यान रखते हुए जो नेमत है पाकिस्तान। तो मैं सबको कहूँगा दरख्त लगाएं, इसमें शिरकत करें पूरी तरह। हम मैं ये 4-5 जगह पे ये कैंपेन्स लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह इस बरसात में। दूसरी चीज़, हमारे शहरों के अंदर मसला बहुत बड़ा है, हमने मास्टर प्लान नहीं बनाए शहरों के, जो बने हुए थे मास्टर प्लान वो भी सारे तबाह हो चुके हैं। इस्लामाबाद में ज़रा आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको बताऊँ कि किस तरह हमारा, हमने क्योंकि सोचा समझा नहीं तो हुआ क्या इस मुल्क के साथ। इस्लामाबाद एक वाहिद प्लान्ड सिटी थी पाकिस्तान की, जिसमें पता था हरे इलाके किधर हैं, सड़कें किधर बनेंगी, घर किधर बनेंगे, कमर्शियल एरियाज़ किधर हैं, वो मास्टर प्लान बना हुआ था। वो मास्टर प्लान की इतना धज्जियाँ उड़ाई गईं कि आज आप ये देखें कि 1960 से 2010 तक जितनी भी इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हुई थी, 2010 से लेकर 2020 तक उतनी डेवलपमेंट 10 सालों में हो गई है। हमारे ग्रीन एरियाज चले गए हैं, यहाँ से लेके मरी तक जाएं तो रास्ते में सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी किधर से आएगा, किसी ने ये नहीं देखा गंदगी किधर जाएगी, वो सारी रावल लेक में चली जाती है या जो जाता है पिंडी के लिए। तो अब मैंने हर जगह ऑर्डर किया है कि हर शहर के मास्टर प्लान बनेंगे। मास्टर प्लान का मतलब ये है कि शहर एक हद से आगे नहीं फैलेगा, क्योंकि हमारे हरे इलाके ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको रोक देंगे शहरों को, शहर बजाय इधर जाने के ऊपर जाएंगे जो सारी दुनिया में है। अब दुबई है, दुबई ऊपर गया हुआ है, अगर दुबई फैल जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जिस तरह न्यूयॉर्क है, अब न्यूयॉर्क ऊपर गया हुआ है, अगर न्यूयॉर्क को इस तरह फैलना शुरू हो जाए तो वो न्यूयॉर्क में तो कभी ना वो पानी दे सकते हैं, ना बिजली दे सकते हैं, ना अम्यूनिटीज़ दे सकते हैं। लिहाजा हमारे अब शहरों को हमें रोकना पड़ेगा, और फिर जिधर हमने देखा नया शहर बनाएंगे, जिस तरह रावी सिटी बना रहे हैं लाहौर में। रावी सिटी का मकसद क्या है? पहले तो रावी को बचाना, रावी एक गंदा नाला बन चुका है, उसको डैम करके उसका पानी ऊपर ला के लेक बना के, ताकि लाहौर का पानी नीचे जा रहा है। लाहौर में थोड़ी देर में टैंकर माफिया आ जाएगा जिस तरह कराची में, क्योंकि वहाँ पानी इतना नीचे चला गया। इसलिए पहले लेक बना रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर ऊपर जाए, फिर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं शहर को, मॉडर्न सिटी बना रहे हैं, फिर वहाँ पूरा जंगल उगा रहे हैं साथ, ताकि वहाँ पोल्यूशन कम हो, ताकि वो अब्जॉर्ब करे पोल्यूशन। इसी तरह कराची में हमने बंडल आइलैंड का सोचा हुआ था, बदकिस्मती से सिंध की हुकूमत उसने उसको हमें बनाने नहीं दे रही, और वो मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि सारा फ़ायदा सिंध का है, पैसे भी सिंध में, नौकरियाँ भी सिंध में, फ़ायदा भी कराची का, जो बच जाएगा कराची भी फैलता जा रहा है। कोई वजह है जो वो जो उन्होंने रोका हुआ है, लेकिन शहरों को अब हमें रोकना पड़ेगा, मास्टर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ग्रीन एरियाज़ वहाँ बचाने पड़ेंगे, वो भी गायब हो गए हैं, और फिर वेस्ट डिस्पोजल यानी गंदगी किधर जाएगी, उसकी फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि अब लाहौर में 3 ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, और वो ट्रीट करके पानी रावी में डालेंगे, रावी भी बेहतर हो जाएगा, और फिर जो ग्राउंड वाटर है वो भी बच जाएगा। जी वज़ीर अहमद साहब, एक और सवाल आया सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं सियालकोट का बाय इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, अपोजिशन दावा करती है कि धांधली से आप जीते हैं। देखें ये क्या, मैं फिर से, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरी सारी क्रिकेट अपने अपने अंपायर होते थे, जो मुल्क में क्रिकेट खेलो उसका अपना अंपायर होता था, तो जो टीम हारती थी वो ज़्यादातर कहती थी धांधली हुई है, और हो भी सकती है, होती भी थी कई दफ़ा, जो हारता था उसको बहाना मिल जाता था, क्योंकि जब मुल्क से बाहर जाते थे कि अगर मजबूत टीम के खिलाफ खेलना हो
तो आप कहते थे जी हम जीते कैसे, वहाँ तो अंपायर उनके अपने हैं। और पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान में नहीं जीता था, हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान में नहीं जीता था, क्योंकि हमारे अपने अपने अंपायर थे। और मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है कि मैं वाहिद वो कैप्टन हूँ जो टीम लेके गया हिंदुस्तान, और उनके अंपायरों के बावजूद हम जीत के आए, तो वो कभी उन दिनों में नामुमकिन होता था। तो इसलिए हमने फिर कैंपेन की न्यूट्रल अंपायर्स के लिए, और मैंने वो कैंपेन लीड की, और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में न्यूट्रल अंपायर्स लेके आया 1986 में। और उसके अलावा हमने फिर टेक्नोलॉजी का काके इस्तेमाल करें, तो अब उन दोनों की वजह से आज क्रिकेट में जो हारता है वो हार मान जाता है। हमारे ज़माने में हार वो कहते थे अंपायरों ने हरा दिया, अब यही हो गया पाकिस्तान में। पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट आई है जिसने कहा है कि, गवर्नमेंट कह रही है कि हम अब ये इलेक्ट्रल सिस्टम को ठीक करें ताकि सब मान जाएं हार जीत को। ये पहली गवर्नमेंट है हमारी, नहीं तो जो गवर्नमेंट में आता है वो कभी चेंज नहीं करता। वो क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि आप गवर्नमेंट में बैठे हो तो आप समझते हैं अमला आपका नीचे लगा होता है, आप इलेक्शन कमिश्नर भी, आप अगर गवर्नमेंट की मर्जी से आता है इलेक्शन कमीशन भी वही होती है, तो वो गवर्नमेंट समझती है कि हमारे पास एडवांटेज है कि अगर हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वो चेंज नहीं करते। हमारी पहली गवर्नमेंट आई है जिसने, हमने पूरी कोशिश करके मेहनत करके देखा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम ठीक हो सकता है, और हम एक नतीजे पर आए हैं कि एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हम लेके आए, उससे होगा जितने भी हमारे मसले सब ख़त्म हो जाते हैं। हमारे मसले शुरू होते हैं वोटिंग के बाद, और जब तक रिजल्ट आता है उसके बीच में सारे धांधली जो कि बैग्स खुल जाते हैं, वो डबल स्टैम्प कर देते हैं, वो फॉर्म 14 नहीं भरता, यानी सारी चीज़ें वहाँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएँ तो जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है रिजल्ट आ जाता है। तो अब इतनी मेहनत से हमने काम किया है, एक साल से हम लगे हुए हैं ऑपोजिशन को कहना कि ये हमारा सिस्टम है, हमारे साथ मिलकर रिफॉर्म्स करो, एक साल से वो हमें टाइम ही नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं हम मानते नहीं हैं इलेक्ट्रॉन, और ना खुद को तजवीज़ देते हैं ना हमारी मानते हैं। अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, इनके अंपायर्स, इनकी सिटिंग गवर्नमेंट, यहाँ तो केयर टेकर गवर्नमेंट करती है, सिटिंग गवर्नमेंट नून लीग की ने इलेक्शन करवाया, सारा अमला इनका, पुलिस इन्होंने वहाँ लगाई हुई सारी जगह, इलेक्शन कमीशन इनकी मर्जी की, फिर हाँ जो सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन का था वो नून के वजीर आजम का हमजुल्फ था, तो फिर धांधली कैसे हो गई? धांधली तो जब तक इलेक्शन कमीशन आपके साथ नहीं मिलती धांधली नहीं हो सकती। तो और वो फिर सियालकोट का इलेक्शन हो गया, अब वो भी हार गए हैं और वो इनका गढ़ था। हाँ, ये फवाद चौधरी रिमाइंड कर रहे हैं कि धांधली के इल्ज़ाम आज़ाद कश्मीर में किधर से लगाए गए? वज़ीर आज़म ने बैठ के वज़ीर आज़म हाउस से लगाए हैं। तो ये ऐसी भी धांधली कभी नहीं देखी थी कि वज़ीर आज़म भी आपका, अमला भी आपका। तो वो इसका हल एक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसके ऊपर हमने पूरा अब जोर लगा दिया है। हमने इसके ऊपर अपनी, हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, उन्होंने डेवलप भी कर दिए हैं, हम सारे मीडिया को दिखा रहे हैं। हम बल्कि चाहते हैं कि सारे जो मीडिया के इलेक्शंस हैं, जो बार्स की इलेक्शंस हैं, सारे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाएं, और इंशाल्लाह ये फिर, यानी आप कौम सब समझ जाएगी कि एक ही तरीका है कि ये सारे मसले जो धांधली के हैं वो ख़त्म हों। जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि धांधली हुई है, धांधली से हराया गया है, तो वो क्यों नहीं साबित कर सका धांधली? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी, उसके ऊपर वो साबित ही नहीं कर सका, क्योंकि जिधर भी वो गया उन्होंने सारे रिजल्ट दिखा दिए, और वही इसका हाल है पाकिस्तान में। जी, अगले कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी जी, क्या सवाल है जी आपका? सर हमारा सवाल ये कि हमारे यहाँ 1974 या उसके पहले की ये जो बिजली का सबसे बड़ा मसला है हमारे पास सर, लोड शेडिंग तबाही है, और जो हमारे अब चूंकि से आप अगर बाई रोड आएंगे देखेंगे जो खंबे लगे हुए ना सीमेंट के 73 या 74 के, वो इस वक्त तेज हवाएं चलती हैं गिर जाते हैं, उन्हीं को रिपेयर कर देते हैं या कुछ बिस्तरा कर देते हैं, मतलब कोई हाल नहीं है।
तो मैं चाह रहा था ये मेरा सवाल के सवाल क्या, बस एक तरह से रिक्वेस्ट हमारी सर, तो इस टेबल किया जाए सर। देखिए जी, मैं पहले बिजली का, इन गर्मियों में बड़ी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ा, लोड शेडिंग भी ज़्यादा थी, गर्मी शदीद थी, और बलूचिस्तान में एक और मसला आ गया क्योंकि जो गवादर तक हम ईरान से बिजली लेते हैं, ईरान में इतनी गर्मी पड़ी कि ईरान की खुद बिजली की इतनी कंजम्पशन होगी कि ईरान भी हमें बिजली नहीं दे सका क्योंकि वहाँ उधर शॉर्टेज होगी ईरान के अंदर। तो हमारा मसला ज़रा आपने समझ लें, हमने बिजली तो ज़्यादा बना दी पाकिस्तान में, लेकिन जो बिजली को पहुँचाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो पुरानी हैं सब। अब मसलन पेशावर है, जो ख़ास तौर पर पेशावर वैली के अंदर, वहाँ जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इतनी पुरानी हैं कि जब बिजली का प्रेशर बढ़ा तो जब हमने बिजली पहुँचाने की भी कोशिश की वो पहुँचती नहीं थी क्योंकि वो ट्रांसमिशन लाइन्स कैरी नहीं कर सकती थी। तो अब अगला है कि पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने, नई लाने के लिए, ताकि वो बोझ बर्दाश्त कर सके। दूसरा हमें मसला क्या आया कि ये जो फिनोमेना है जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हमारी उससे जो मौसम के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं उसमें एक क्या हुआ कि जो बर्फ़ों ने पिघलना था जुलाई के शुरू में वो पिघली नहीं, तो जब बर्फ़ें नहीं पिघली तो जो हमारी डैम्स में पानी आना था वो 35% कम पानी आया, और ये ईरान में भी यही हुआ। तो जब डैम्स में 35% कम पानी आया तो जो बिजली बनानी थी हाइड्रो यानी पानी से बिजली बनानी थी उसमें कमी आ गई, तो जो हमारी कैपेसिटी भी थी उससे भी कम बिजली बनी। लेकिन जो बिजली इस बारी जो डिमांड आई है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड इस बारी आई है, तकरीबन 25,000 मेगावाट बिजली जी। ये हमारा जो जून और जुलाई का हमारा महीना होता है ये हमारा पीक सीज़न होता है, और बाकी सारे महीनों में तो हमारी औसतन डिमांड जो है वो 16,000 मेगावाट होती है, इसमें वो 22-23 पे चली जाती है। इस साल वो डिमांड हमारी 26,000 तक गई है, और वो बिजली हमने सप्लाई भी की, यहाँ तक कि हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 24,000 है, हमने 25,000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में छोड़ी। तो एक तरफ तो डिमांड 20% बढ़ी हुई थी, दूसरा हमारे डैम्स कम थे इस मरतबा, तो हमें बिजली की जो प्रोडक्शन डैम से आ रही थी, और डैम्स हमारी 25% बिजली बनाते हैं, वो हमें काम आई। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब ये पिछले 2 हफ्ते से तो हमने गैर एलानिया लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल ज़ीरो पे हम ले गए हैं, और अगले साल के लिए एक हमने मौसर प्लान बनाया है कि अगली गर्मियाँ आने से पहले ये जो हमारे ट्रांसमिशन के यानी बिजली के तरसील के बॉटल नेक्स हमें देखने में आए हैं इन पर हम इंशाल्लाह ताला काबू पा चुके होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा डिमांड जनरेट कर रही है तो हमारे पास उसको पीक सीज़न में भी मीट करने के लिए इंशाल्लाह ताला एक मौसर निज़ाम होगा। जी जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक वक्त का, उसके बाद फिर आपका वज़ीर आज़म आपके साथ इस प्रोग्राम में। आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी है, नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 0519224900। हमारे साथ अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? आरिफ महमूद भट्ट, गुजरांवाला से। जी आरिफ साहब, क्या सवाल है जी? मेरा सवाल है जी, मैं गुजरांवाला में 32 साल से करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा हूँ, खान साहब के साथ मैं 22 साल से अटैच हूँ जी, और गुजरांवाला कारपोरेशन में 2 साल जब से ये दोबारा कारपोरेशन बहाल हुई थी 2017 में, जो मेयरशिप आए थे उन्होंने जो करप्शन की है, मुझे उन्होंने पहले अपनी सीट से उतार दिया, जब आपकी दौर वापस आया वो चेयरमैन वापस गया तो मुझे लगाया गया और कहा गया कि आपने करप्शन पकड़नी है। मैंने करोड़ों रुपए की करप्शन पकड़ी है कारपोरेशन में, जिसकी मुझे सिला यह दिया गया कि मुझे पहले कहा गया कि आप ये बाज आ जाए इस काम से। गुजरांवाला में बहुत ज्यादा नून लीग का गढ़ है, लेकिन मैं अपने हक और सदाकत के लिए उस टाइम रहा, मेरी जान भी चली जाए, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाए खान साहब, लेकिन मैं हक पर ही रुक सकता, मैं किसी रिश्वत वाले के साथ नहीं चल सकता। वो मैंने साबित की 13 करोड़ की करप्शन एक अभी मैंने पकड़ी थी, उन्होंने फौरन मुझे डिसमिस कर दिया नौकरी से, हालांकि मैंने हम फोरम पे हाईकोर्ट पे भी उन्होंने कहा कि इस पर कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसके हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे जो गुजरांवाला का चीफ अफसर तक करप्ट तरीन अमजद हुसैन टिल्लू, जितने बिल्डिंग में अपना अपना बिल्डिंग पेट्रोल सब काम में करोड़ों की करप्शन की है, उसने मुझे डिसमिस कर दिया।
ये तो मैं अभी मेरे ऑफिस आपको कांटेक्ट करेंगे और हम इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आप जो कह रहे हैं और क्या ये वाकई सब कुछ ठीक है। पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आप सबके लिए जो मेरे पाकिस्तानी आप ये देख रहे हैं, ये अपने जहन में डाल रहे कि एक करप्ट माशरा तरक्की नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। मैं ये बार बार एक चीज़ लोगों को समझाता हूँ कि दुनिया में जो खुशहाल मुल्क है उसने करप्शन के ऊपर काबू पाई है, वहाँ कानून की बाला हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी होती है तो करप्शन ख़त्म होती है। देखें, एक होती है करप्शन छोटे लेवल पे, छोटे लेवल की करप्शन लोगों को तंग तो करती है, मुल्कों को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के करप्शन शुरू करता और मेरे वजीर, जब हम शुरू करते हैं नीचे तक हम किसी को करप्शन से नहीं रोक सकते हम, बल्कि क्योंकि हम जब करप्शन करते हैं हम वो करप्शन के जो रोकने वाले इदारे हैं उनको पहले हम कमज़ोर करते हैं, क्योंकि हमने चोरी करनी होती है, वो फिर बाकी को किसी को भी नहीं पकड़ सकते। नतीजा ये होता है कि वो सारा मुल्क ही तबाह हो जाता है। ये एक ज़रूर मैं फिर दोहराता रहता हूँ, एक चीज़ एक है, पैनल बनाई है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसको कहते हैं फैक्टाई पैनल। इस पैनल ने बड़ी मेहनत करके रिसर्च करके वो एक नतीजे आए हैं सामने, और वो आप ये समझ जाएं कि इस ये जो इनकी फाइंडिंग्स हैं वो बताती हैं कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हैं। उसके उस फाइंडिंग के मुताबिक गरीब मुल्क या डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1,000 अरब डॉलर उधर से चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग होके ऑफशोर अकाउंट्स में और बड़ी बड़ी लंदन जैसी मेफेयर जैसी प्रॉपर्टीज़ में ये गरीब मुल्कों से पैसा जाता है वहाँ अमीर मुल्कों में। गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, इनका चोरी का पैसा सारा उधर चला जाता है। जिस तरह जब अंग्रेज़ आया हिंदुस्तान में तो मुग़लों के दौर में हिंदुस्तान सुपर पावर समझी जाती थी दुनिया की। 24% दुनिया की जो दौलत थी वो हिंदुस्तान में थी, जो 24% दुनिया का जीडीपी हिंदुस्तान का था। जब वो अंग्रेज़ 200 साल के बाद छोड़ के गया तो हिंदुस्तान का 3% शेयर रह गया था दुनिया के जीडीपी में, सिर्फ 3% दौलत हिंदुस्तान की थी, बाकी जो इंग्लैंड था उसकी 24% हो गई थी। तो यहाँ से पैसा सारा जो चोरी करके लूट के उधर चला गया। अब यही करप्ट जो हुक्मरान हैं और जो उनके साथ साथी हैं वो यही कर रहे हैं सारे गरीब मुल्कों से, हर साल पैसा चोरी होकर उनका अमीर मुल्कों में चला जाता है। जो नौकरियां यहाँ निकलनी होती है वो नौकरियां उधर होती हैं, ना यहाँ हम अपने लोगों को तालीम दे सकते हैं ना इलाज करवा सकते हैं क्योंकि पैसा चोरी, और फिर रुपये के ऊपर प्रेशर क्योंकि डॉलर खरीद के बाहर भेजने होते हैं, तो जब डॉलर की कमी होती है रुपया गिरता है, रुपया गिरता है सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं। तो ये कितना बड़ा अलमिया है, ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ ये पाकिस्तान की जंग है, ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। जो करप्शन इस वक्त जंग चल रही है हमारे मुल्क में, जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए NRO मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो, जो जनरल मुशर्रफ ने की थी डील वो हम मेरे से भी वही मांग रहे हैं, और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये ही साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ, उनके प्रेसिडेंट ने करप्शन की, उसका नाम जुमा था, जुमा के ऊपर उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने, उन्होंने सड़कों में उसने लोग निकाल लिए, मुजाहरे शुरू हो गए और वो गवर्नमेंट पीछे हट गई। यही याद रखें कि एक ताकतवर और कमज़ोर और गरीब और अमीर मुल्क में फ़र्क ही है। किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर किसी की जरूरत नहीं है कि अगर उसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन है प्राइम मिनिस्टर पे उसके वजीरों पे, वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाब ही नहीं दूंगा, आप कौन होते हैं, मेरे ऊपर सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उनको जवाब देना पड़ता है। और यही फ़र्क है वहाँ, और यही हम पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों की, यही रूल ऑफ लॉ की जंग है, कानून की हुक्मरानी की। सवाल बिजी हैं तो ये कश्मीर से
बड़ा मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट इन्होंने किया है, क्योंकि हमारे साथ भी पाकिस्तान में भी यही हुआ था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने 28 मई 2021 को एक काला कानून पास किया है, जिसके तहत आर्जी कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक भर्तियां बग़ैर टेस्ट और इंटरव्यू, जो अपने दौर में इन्होंने लोग भर्ती किए हैं, उनको ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 18 तक उन्हें मुस्तकिल कर दिया, जिस पर रियासती अवाम फ़िक्रमंद है। यानी लोगों को एडहॉक भर्ती किया और अब जाते जाते उन सब को कंफर्म कर दिया, जैसे कि यहाँ पे भी आपको पता है सर ऐसे ही इन्होंने। देखें ये कौम के लिए इदारे क्यों तबाह हुए हैं पाकिस्तान के, यही पीटीवी था एक वक्त पे, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का पीटीवी देखा जाता था, ये पीआईए था जो दुनिया की टॉप एयरलाइन मानी जाती थी, हमारा ये जो वापडा था, ये जाके बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे पाकिस्तान से, हमारा जो नेस्पाक था वो मिडल ईस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट्स करता था। तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बड़े इदारे क्यों तबाह हुए, सारों के अंदर सियासी भर्तियां करके सिफारिशों को डाल के ऐसे इन्होंने बुरे हालात किए हैं इदारों के, कि आप ये देखें कि जो पेंशन्स हैं आप इदारों की वो इतनी बढ़ गई हैं कि वो तकरीबन जो बजट होता है उसमें ज़्यादातर पेंशन में चला जाता है, तो ना कोई डेवलप कर सकता है, ना इदारा आगे बढ़ सकता है, ना जिस काम के लिए वो इदारा बना होता है ना वो काम पूरा कर सकता है। अब ये आज़ाद कश्मीर में जो किया इन्होंने, ये क्या किया होगा कि मैंने अगर इलेक्शन जीतना है, मैंने अपने लोग भर दिए जी, अच्छा जी मैं आपको नौकरियां दे दूंगा, मैंने अपनी इलेक्शन जीतने के लोगों की भर्ती करवा दी, मुल्क को मैंने तबाह करवा दिया, यानी मुल्क को सारे ये जो इदारे थे, स्टील मिल की मैं आपको मिसाल देता हूँ, स्टील मिल 2008 में 8 अरब रुपया का नफा था स्टील मिल में, जो पड़ा हुआ था स्टील मिल में, आई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वही स्टील मिल इन्होंने पहले गलत भर्तियां कराई, फिर उन्होंने करप्शन की, वही स्टील मिल 5 साल 6 साल के बाद बंद हो गई और 300 अरब रुपए का उसके ऊपर खसारा हो गया और आज भी बंद पड़ी हुई है। इसी तरह पीआईए, जैसी 2008 में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इन्होंने जो सिफारिशी में जो लोगों को निकाला गया था, जो इनके सिफारिशों को सबको वापस भर्ती किया, उनकी जब सैलरीज आई वही पीआईए नुकसान के अंदर चला गया। तो देखें, या हमने मुल्क को चलाने एक अमानत रख के, या फिर हमने अपनी 5 साल की सियासत चमकाने के लिए, अपने फ़ायदा करवाने के लिए मुल्क को तबाह करना है। तो ये बिल्कुल फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पर भर्तियाँ की गई और ये इंशाल्लाह अब हमारी गवर्नमेंट आई है, इनको हम सबको रिव्यू करेंगे। जी हमारे साथ अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आयशा खान फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? सर, आयशा खान फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी, क्या सवाल है आपका वजीर आजम साहब से? आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द वाटर रिजर्वॉयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड यू वर टेकिंग मी इन दिस रिगार्ड दैट पाकिस्तान हैज अ लोअर डैम स्टोरेज कैपेसिटी and the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. So I have been criticizing that the government during their reign or time period, but I would love to know that what is your government doing and what are your set plans and when will... Dams, ठीक है, इस पे आशा उर्दू में बात कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि डैम्स के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है, कोई और अगर आपका सवाल है तो बताइएगा। नहीं, डैम्स का मैं सिर्फ आपके लिए आयशा मैं आपको बता दूं, 50 साल में पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बनाई नहीं गई, जिसका बहुत बड़ा मैं नुकसान हुआ। मैं आप पहले समझेंगे डैम्स क्यों ज़रूरत है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में सारा साल बारिश होती रहती ना, जिस तरह कई यूरोपियन ममालिक में होती है, तो आपको डैम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी इतना है, सारा साल पानी आता रहे तो आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में तीन या ज़्यादा से ज़्यादा चार, लेकिन 3 महीने में हमारा दरियाओं में सारा पानी आता है, ग्लेशियर पिघलते हैं उधर से, और फिर ये जो हमारी बरसात में बारिश होती है इससे। अब उसके अलावा पाकिस्तान में जो सर्दियां हैं उसके अंदर हमारे पास पानी की किल्लत हो जाती है। डैम्स इसलिए बनाते हैं कि आप जब ये पानी ज़्यादा आता है तो इसको हम डैम्स में रोक लें और इस पानी को फिर हम इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर अपनी फसलों के लिए, जब हमारे पास पानी की कमी है, बारिश कम होती है। इसलिए जो मुल्क के अंदर इसी तरह की सीजनल पानी आता है दरियाओं में, जिस तरह चाइना है, तो वो सारों ने डैम्स बनाई हुई हैं। हमने 50 साल पहले 2 बड़ी डैम्स बनाई थी, उसके बाद हमने कोई डैम्स बनाई नहीं इस मुल्क में। चाइना ने जितनी हमारी 2 तरबेला और मंगला बड़ी डैम्स है, चाइना के पास 5
1000 बड़ी डैम्स हैं, टोटल उनकी डैम्स 80,000 हैं, लेकिन 5,000 बड़ी डैम्स बनाई हैं उन्होंने वही पानी रोकने के लिए, और इसलिए ही वो 125 अरब लोगों को अनाज दे सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है क्योंकि वो पानी उन्होंने पानी अपना बचा लिया है। अब हम 10 नई डैम्स बना रहे हैं, 10 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में 10 डैम्स होंगी, जिसमें 2 बड़ी डैम्स हैं, बाशा और दासू डैम। इससे जो पानी हम बचाएंगे, आप ये सोचें कि जितना अभी हमारे पास पानी है इससे दुगना पानी हमारे पास आ जाएगा, और वो हमें पानी की इसलिए ज़रूरत है कि हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान तो अनाज दुनिया को बेचता था, आज हमें गंदम दुनिया से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। पिछली बारी हमारी गंदम की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई, हमारी चावल की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुई, हमारी मकई की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुई, उसके बावजूद हमें इम्पोर्ट करनी पड़ी है गंदम। 40 लाख टन गंदम हमने इम्पोर्ट किया है, और जब बाहर से हम चीज़ें मंगवाते हैं हमारा डॉलर भी खर्च होता है हमारे और बाहर अगर महंगी हो तो वह यहाँ महंगाई भी हो जाती है। इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि आगे हमारी बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे उनके लिए अनाज पूरा करना है, उसके लिए डैम्स बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो डैम्स हम जब 10 सालों में 10 डैम्स बन रही हैं, इनसे फ़ायदा ये होगा कि जितना अभी हमारे पास पानी है इंशाल्लाह इससे दुगना पानी हो जाएगा हमारे किसानों के लिए। जी अगले कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं हिरा तारिक बात कर रही हूँ अटक सिटी से। जी जी सर, मैं सऊदी अकामा होल्डर हूँ। हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान में स्टक हैं ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट। जो ओनली ऑप्शन जो अवेलेबल है हमें इस वक्त वो क्वारंटीन की है थ्रू थर्ड कंट्री, जो कि हाईली एक्सपेंसिव है। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पर्सनल रिलेशन भी हैं सऊदीया के साथ, वो आपका बहुत रिगार्ड भी करते हैं, तो उनसे बात की जाए कि अगर अफगानिस्तान जैसी कंट्री के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हैं और हम लोगों ने रेकमेंडेड डोजेस भी लगा ली हैं वैक्सीन की, तो उन लोगों ने अभी तक फ्लाइट्स हमारे लिए क्यों ओपन नहीं किए हैं? अब बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं, ऑफिस भी खुल गए हैं, और अब हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है, पर हम जैसी बहुत सी फैमिलीज यहाँ स्टक हैं पाकिस्तान में। जी मुझे इसका पूरी तरह इल्म है। मैंने अभी जो सऊदी एम्बेसडर आए थे सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनसे मैंने पूरी तफसील में बात की, और मैंने पैगाम दिया शेख मोहम्मद के लिए कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, तो उनके लिए उनके जो भी मसले मसाइल और भी मसले मसाइल थे फ़्लाइट्स के अलावा, तो उन्होंने मुझे श्योरिटी तो दी है कि वो जब वापस उन्होंने जाना था तो उन्होंने श्योरिटी दी थी कि वो इंशाल्लाह ये हमारा मसला हल करेंगे। जी आप कॉल कर रहे हैं 0519224900 पे। अगले कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी कौन साहब? जी राजा साबिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी क्या सवाल है आपका जी वजीर आजम साहब से? मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब से छोटे छोटे से दो अवामी निवेश के सवाल हैं। एक तो हालिया बजट में गाड़ी की कीमत में कमी की गई थी जिससे अवाम को अभी तक कोई फायदा नहीं मिल सका, क्योंकि खत्ते में सबसे महंगी गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में फरोख्त जा रही है और गाड़ी की रोसेवटी भी नहीं दे, असल रकम देने के बाद भी अभी तक भी ऑन पे गाड़ी मिल रही है जबकि असल कीमत में नहीं मिल रही, इस पे जरा विधान सब बताइएगा। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान से बैंक के जरिए इलाज और पढ़ाई के अलावा कोई रकम भरने मुल्क में मुंतकिल नहीं हो रही, कोई प्राप्ति या कारोबार करना चाहता है तो बैंक कामन नहीं चाहता, जिसके लिए लोगों को गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। आप खुद कहते हैं जो जायज फाइलर हैं जो टैक्स पेयर हैं वो कारोबार कर सकते हैं, इस बारे में भी स्टेट बैंक और एसबीआर के चेयरमैन से बताया भी क्या है, तो जो जायज काम करना चाहते हैं उससे बाद अपना कारोबार पैसा नष्ट करना चाहते हैं उस पर मेरा तफसील आवाम आपसे जानना चाहते हैं। सो दो सवाल हैं, एक ये कि जो गाड़ियों के ऊपर हमने टैक्सेस नीचे किए इनकी कीमतें नीचे आनी चाहिए थी, ये मैं फौरी तौर के ऊपर इसको चेक करूँगा कि इन्होंने क्यों नहीं गाड़ियों की कीमत नीचे लेके आए। देखिए हमने सोचा ये कि जो 1000 cc से कम गाड़ियां हैं उनके ऊपर हमने टैक्स कम कर दिया ताकि वो आम आदमी यानी हमारी मिडिल क्लासेस इस्तेमाल करती हैं ताकि उनको सस्ती गाड़ी पड़े, तो एक तो हमने ये किया था। और ये मैं अब चेक करूँगा, आपने कहा ऑन का मसला ये हुआ था कि डिमांड एकदम हमारी गाड़ियों की इतनी ज़्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से ये जो ऊपर ये चार्ज करते हैं,
इसके ऊपर भी मैं अभी चेक करूंगा कि क्या वजह है कि हमने इसके ऊपर भी एक हमाद इसका जवाब देंगे। वज़ीर आज़म साहब, जो हमने गाड़ियों पर टैक्सेस कम किए हैं गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स ने, तो उतने ही आगे कीमतें नोटिफाई कर दी हैं नीचे, लेकिन ये जो बता रहे हैं वो ऑन की बात कर रहे हैं, और इस वक्त मार्केट में जितनी सप्लाई है गाड़ी की उससे कहीं ज़्यादा मांग है, और एक ये ब्लैक मार्केटिंग का एक मैनस है जो आया हुआ है। इसमें भी हमने पिछले साल एक कदम ये उठाया था जिससे कुछ फ़र्क भी पड़ा कि अगर आप 6 महीने के अंदर ही नई गाड़ी लेके आगे बेचते हैं किसी और को, तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है जो 1-1.5 लाख रुपया, उससे कुछ ऑन की शराह में कमी आई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बड़ी तेज़ी के साथ हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स इस डिमांड के नतीजे में अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। टोयोटा कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पर जा रही है, होंडा मोटरसाइकिल्स अपनी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पर जा रहे हैं, नए एंट्रेंट्स जैसे किया गाड़ी आई है, ह्यूंडई आई है, एमजी आई है, फोटोन आई है, तो इनके नए मॉडल्स भी मार्केट में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चंद माह के अंदर ये डिमांड और सप्लाई में जो गैप है, सप्लाई विल कैच अप, और ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे मुल्क में डिमांड ज़्यादा है गाड़ी की। ये शो करता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है और लोग जो है वो गाड़ियाँ मांग रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक मार्केटिंग की एक ठीक चीज़ है जिसपे हम क्रैक डाउन करेंगे। और दूसरा जो आपका सवाल था उसको मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई, बैंकिंग इन्होंने क्या ये कर्जे हैं बैंक नहीं देते, आप इसी का जवाब बताएं। सर, उन्होंने जो बात समझ में आई है वो ये कहा है कि मुल्क से अंदर बाहर जो रकूम भिजवाने के लिए शायद इनको कोई दिक्कत आ रही है, जिस पे हम हर वक्त काम कर रहे हैं स्टेट बैंक के साथ भी और FBR के साथ भी, और दूसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की उन्होंने बात की, उसमें भी आप हर महीने में एक मीटिंग चेयर कर रहे हैं और हमारी इंडेक्स में रिकॉर्ड एशिया में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, इसमें भी मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी आती रहेगी। जी मैं इसमें दोनों चीज़ों के मैं सिर्फ ये कह दूँ कि ये ज़रूर है कि हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी तब पाकिस्तान में, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा एहसास है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी असल में उनकी रिमिटेंस ने हमारे मुल्क को सही तरह बचाया, नहीं तो इतना बड़ा हमें करंट अकाउंट यानी कि हमारा इतना बड़ा खसारा छोड़ के चले गए थे, $20 अरब का खसारा जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था, और उसूलन तो हम इतने बड़े खसारे से हमारा दिवालिया निकल जाना चाहिए था और हमारा रुपए ने क्रैश कर जाना था बिल्कुल ही नीचे, यानी महंगाई आसमानों पर, क्योंकि रुपये ने गिर जाना था। असल में मैं आज फिर से अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा बैंकिंग चैनल से जो रिमिटेंसेस थी। अब हम उनके लिए और आसानियां पैदा करना चाहते हैं, हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके अंदर हम और इनके लिए सहूलतें पैदा करना चाहते हैं ताकि आसानी से ये अपना पैसा अंदर भी ले आएँ और अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर भी ले जाएँ। तो उसमें जो पुरानी चीज़ें कई जगह हमें रुकावटें हैं, एक FATF का प्रॉब्लम हुआ है उसमें ज़रा थोड़ी सी आती हैं रुकावटें, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए आसानी पैदा करें ताकि वो अपना कोई भी पाकिस्तान में पैसा बैंकिंग के थ्रू ला सकें। इनके एक क्वेश्चन का वज़ीर आज़म साहब एक पार्ट था कि जो बैंक से कर्ज़ा लेते हैं या पैसे बाहर भेजते हैं तो लीगल मीन्स से भेजने वालों के लिए बड़ी रुकावटें हैं, जबकि इलीगल मीन्स से भेजने के लिए आसानियाँ हैं कि कोई नाजायज़ तरीके से भेजता है, बैंकिंग चैनल से नहीं भेजता। वो कह रहे हैं ये रुकावटें जो हैं स्टेट बैंक को चाहिए कि वो दूर करें। मैं इसका यही मैं आपको कह रहा था, हमारी कोशिश तो यही है, लेकिन मैं हमाद को कहूँगा ज़रा इसको जवाब दें। इसमें सर क्योंकि कुछ FATF के कंप्लायंस के इश्यूज थे जो कभी कभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में आसानी के साथ क्लैश कर जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी हमारी जिम्मेदारी है और हमने FATF की कंप्लायंस को फिलहाल जो थी वो कुछ तरजीह दी थी। बट एट द सेम टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नई स्कीम्स ला रहा है जहाँ पर पैसे का अंदर आना और जाना डिजिटल मीन्स के जरिए जो है वो आसान होएगा। पहले भी काफ़ी आसान हुआ है, हमारी रिमिटेंसेज जब आए थे $21 अरब थी, अब $29 अरब के करीब हमने क्लोज़ किया है, तो कुछ आसानी आई है और कुछ हम क्रैक डाउन इलीगल के ऊपर भी हमने बड़ा मैसिव स्केल पे शुरू किया हुआ है। जी अगले कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी जी कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं जी, क्या सवाल है आपका वजीर आजम साहब से? मैं गारे खान साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम विलायत खान है, मैं पाकिस्तान सोसाइटी डेनमार्क की तरफ से फोन कर रहा हूँ। सर हमारे कुछ मसाइल हैं, मसलन PIA आती थी नॉर्वे और डेनमार्क में, अब आना बंद हो गई है,
जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान के लिए सफर लंबा भी हो गया है, महंगा भी हो गया है। बुजुर्ग तो बिल्कुल अकेले सफर नहीं कर सकते और डेड बॉडी भेजना हो तो और भी मुश्किल है सर, इसके लिए कुछ करें। और उसके बाद ये बैंकिंग की आप बात कर रहे थे, हमें एक बैंक चाहिए। अब देखिए यहाँ के बैंक जो है ना हमारे बिजनेसमैन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं, उनके अकाउंट बंद कर देते हैं। तो एच बी एल वालों से बात की थी तो वो कह रहे थे कि उनकी गारंटी बढ़ जाएगी अगर वो यहाँ बैंक लेके आते हैं। सर किसी तरह से एक बैंक हमें दे दें ताकि हमारा स्कैंडिनेविया में और यूरोप में जो बिजनेसमैन है उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और तीसरी बात यह है सर कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे थे डेनमार्क से, उसमें हमें मसला पेश आया है, उस वक्त बेकायदगी थी तो हमने शोर मचाया, तो पता नहीं क्या बात है वो हमारी बात नहीं सुनते इंसाफ पैनल वालों की। हमने तो हजारों मेंबर भी बनाए हैं, हम पाकिस्तानी यानी मेंबर हैं पीटीआई के, वो ऐसे है जैसे वायसराय बने हुए हैं। उन्हें कहें कि आप उन्होंने जो नई डेट दी, पहले उन्होंने इंक्वायरी नहीं की क्या मसला था, अब उन्होंने जो नई डेट दी है वो मुहर्रम की 5 तारीख को दे दी है 16 अगस्त को। हम कह रहे हैं एक हफ्ता आगे कर दें, क्योंकि अहले तशी हो या सुन्नी हो कोई भी हो, हम उन दिनों में इबादत करते हैं, रात को महफिलों में जाते हैं, तो बेहतर होगा कि एक वीक आगे कर दें इलेक्शन और अच्छे तरीके से इलेक्शन कराएं फेयर होकर सबके लिए। तीसरी चीज़, तीसरा जो आपका है वो तो बड़ा आसान है, मैं वाइस रॉय साहब से कहूँगा कि आपका आपकी मैं ज़रूर बात पहुँचाऊँगा कि आगे डेट भी करें और आपसे पूरा सुने आपकी जो प्ली है आपकी। पहली जो दो चीज़ें हैं, पीआईए का हमें थोड़ा सा मसला है, हम तकरीबन कंप्लाई कर चुके हैं, वो जो आया था पायलट लाइसेंस के ऊपर जो ये जो मसला आया था, हमें उम्मीद तो है कि अब हम वापस हमें फ़्लाइट्स की इजाज़त मिल जाएगी, और मुझे पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। और दूसरा बैंक का, मैं खुद आज जो आपने अब बात कही है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं, अभी हम मैं उज़्बेकिस्तान गया था तो वहाँ भी ये डिमांड आई कि हमारा एक बैंक होना चाहिए, जो बिजनेसेस वहाँ थी पाकिस्तानी जो बिज़नेस करते हैं, उन्होंने कहा वहाँ बैंक अगर हो पाकिस्तान का जो, और हम कोशिश करें नेशनल बैंक को वहाँ ले जाने की, तो आसान हो जाएगा बिज़नेस करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं ये स्कैंडिनेविया के ऊपर भी बात करूँगा। जी इसी से जुड़ा एक सवाल है, अकील अराई पूछते हैं सोशी कि ओवरसीज़ को वोटिंग का कब तक जो अमल है वो कंप्लीट हो जाएगा? देखिए हम दो चीज़ें कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसके ऊपर हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बस सिर्फ हमने अब इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना है कि इसके अलावा जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बग़ैर आप इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में, हमेशा जो हारेगा वो कहेगा जी धांधली हुई, वो जब जीतेंगे ठीक होगा इलेक्शन, लेकिन जब वो हारेंगे तो धांधली हुई। इसलिए एक ही इसका रास्ता, तो एक तो वो है, और दूसरा जो हमारा 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी कोशिश ये है कि ई वोटिंग करवाएँ। अब इसके ऊपर ट्रायल्स कर रहे हैं, हमारे नादरा के हेड आए हुए हैं तारिक मलिक, इनके अंदर बड़ी इस चीज़ में वो सलाहियत रखते हैं कि वो कौन सा सिस्टम हम डेवलप करें ताकि ई वोटिंग हो सके। अगर ई वोटिंग ना भी हुई तो हमने पोस्टल बैलेट तो ज़रूर करवानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमने ज़रूर, वो इतना बड़ा हमारा मुल्क का असासा है, उसको ज़रूर हमने दायरे में लेके आना है इलेक्शंस के। यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद वक्फे के बाद। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 0516-922-4900। हमारे साथ अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरा नाम तहरीम रिफत है, मैं चेहलम सिटी से बात कर रही हूँ। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा ही रियासत मदीना की बात करते हैं जिसे सुनकर बहुत खुशी होती है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब, रियासत मदीना का आगाज़ तो गुरबत के खात्मे के लिए किया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरबत के गरीब मुहाजरीन को अमीर अंसारी का भाई बनाया, जिससे गरीब पे बोझ आने की बजाय अमीरों के वसाइल गरीबों में तकसीम हुए। लेकिन आज आपके 3 साल दौरे इकतदार में महंगाई का जिन आपे से बाहर हो चुका है, बिजली और पेट्रोल की कीमतें इंतहा को छू रही हैं। अगर आप वाकई वतन अजीज पाकिस्तान को रियासत मदीना का मॉडल बनाने में मुखलिस हैं तो प्लीज़ हमें बताएँ कि आपकी हुकूमत महंगाई के सामने बेबस क्यों नज़र आती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं एंड पे आ रहा हूँ तो इसलिए मैं, ज़रूरी है कि आप सारों को अपनी जो विज़न है पाकिस्तान की वो मैं वो बताऊँ कि विज़न क्या है और हम किस तरह उस विज़न की तरफ जा रहे हैं, ताकि आपको ये पता हो ना किबला कौन सा हमारा, हम जा किधर रहे हैं, यानी ये जो सारी कोशिशें कर रहे हैं ये किस मंजिल की तरफ है। देखें
जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, पांच वक्त पे जब आप अल्लाह से सिर्फ़ एक ही चीज़ नमाज पढ़ के मांगते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, सिर्फ़ एक चीज़ मांगते हैं, ये याद रखें कि वो रास्ता है। हम मंजिल नहीं मांग रहे, हम उस रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि वो रास्ता, वो मंजिल तो वो उस पे जो पहुँचे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं, वो तो हम पहुँच नहीं सकते, लेकिन हम अगर उनके रास्ते पे भी चले गए तो ये मुल्क बिल्कुल एक अजीम मुल्क बन जाएगा। ये बना था इस्लामी फलाई रियासत, ये इसका मकसद था पाकिस्तान का बनने का। अब मैं आपको बताऊं कि वो रास्ते के अंदर कौन से असूल हैं जिनके ऊपर वो मदीना की रियासत खड़ी हुई थी, और उन असूलों को हम कितना अपना चुके हैं। सबसे बड़ा असूल ये था कि फलाई रियासत बनी थी गुरबत कम करने के लिए, निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए बनी थी, पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में। मैं पहले ये बताऊंगा, तो पहला ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, कानून की बालादस्ती। दो खलीफा वक्त, पहले चार में से दो खलीफा वक्त अदालत में गए, जबकि उनका क्या किरदार था, उनका क्या स्टेटस था, खलीफा थे, उसके बावजूद वो अदालत में जाके खड़े हुए सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए कि कानून की हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये कि कितनी हमारी जद्दोजहद उधर किधर है, उस रास्ते पे हम निकले हैं या नहीं निकले। और तीसरी कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान पढ़ लेता है तो फिर किसी और इंसान या किसी के सामने झुकना शिर्क होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आज़ाद कर देता है ये बेशर्मी से, बेगैरती से, हाथ फैलाने से। एक ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, एक खुददार कौम। और ये तीन प्रिंसिपल्स पे खड़ी हुई थी मदीना की रियासत। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजे पर्शियन एम्परर को, एक सुपर पावर, दूसरी तरफ रोमन एम्परर बेजेंटाइन एम्परर हरक्लिस, उसको जब ख़त भेजा तो उन्होंने इमदाद मांगने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने ये नहीं कहा हमें कर्ज़े दे दो या हमें एड दे दो, हमारे हालात बड़े बुरे, और बुरे हालात थे मुसलमानों के। जो अभी आपने सवाल पूछा, आपने एक चीज़ तीन साल की अभी बात की ना, आप अगर तारीख उठा के पहले पाँच साल देख लें मदीना की रियासत के, तो बुरे हालात थे मुसलमानों के। वो दुनिया के अजीम तरीन लीडर भी थे लेकिन एकदम हालात ठीक नहीं हुए, वो उस रास्ते पे लगे जिसकी वजह से हालात ठीक हुए। वो रास्ता जो उन्होंने दिखाया, जो असूलों पे खड़ी की, उन असूलों ने उस एक जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी अरबों की, उनको दुनिया की इमामत करवा दी। तो पहले तो आपको समझना है कि क्या हम उन असूलों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या इस मुल्क के अंदर हम अपने कमज़ोर तबके के लिए वो कदम उठा रहे हैं। कभी पाकिस्तान में किसी ने सोचा था कि हेल्थ कार्ड, जिन सूबों में हमारी हुकूमत है, पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर में अब, और गिलगित बल्तिस्तान, इन सारे सूबों में जिधर हमारी हुकूमत है वहाँ पूरी तरह हम हर शहरी को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। ये इतनी बड़ी चेंज है कि कोई सोच, ये हमारे से अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी ये सहूलत नहीं है। यानी एक ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए तक उस ख़ानदान में अपना इलाज करवा सकते हैं। ये एक इनकलाब है, ये अभी तक लोगों को पूरी तरह पता नहीं चला कि ये कितना बड़ा हमने कदम उठाया है। तो ये उसी तरफ जा रहे हैं फलाई रियासत पे। फिर पनागा, हमने जो पनागा बना रहे हैं ये गरीब मजदूरों के लिए, जो बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, वो हम चाहते हैं कि वो उसको खाना पीना भी वहाँ मिले, सोए भी वहाँ, नहाए धोए भी वहाँ, मजदूरी करे, और जो मजदूरी से पैसा उठाए अपनी बीवी बच्चों को भेज सके। ये पनागाह में अभी हम इजाफा कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूँ कि हमने अभी तक कितनी पनागाह बना चुके हैं। हैं आपके पास? हम अब तक 22 पनागाह बना चुके हैं शहरों के अंदर, और 11 और बनने वाली हैं, और इंशाल्लाह ये हम फिर फैलाते जाएंगे जिधर जिधर मजदूर काम करते हैं उनके लिए रहने के लिए। ये
मैं समझता हूँ कि अगर हम जाने तक, अगर हम अभी 33 हमारी बनेंगी, अगर हम ये सारे शहरों के अंदर जिधर मजदूर काम करते हैं वहाँ अगर हम पनागा बना गए, मैं इसको अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझूंगा। क्योंकि अमीर मुल्कों के अंदर भी ऐसा नहीं है, वहाँ भी अब अमेरिका के अंदर भी सड़कों पर रात कई जगह उनके पास छत नहीं होती, सोते हैं, जो सबसे दुनिया का अमीर मुल्क है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कभी ना हो कि हमारे लोग, हमारा मजदूर बेचारा सड़कों पर सोए, तो उसके लिए पनागा बना रहे हैं। फिर हम एक और, एक भूखा ना सोए, हम अभी हमने बसेस शुरू किए हैं और इनका अभी तक हमारे 12 बसेस हैं, ये फिरती हैं, ये 4 शहरों के अंदर अभी हम लेके आए हैं, ये ट्रक हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं कि पहले हमने थोड़े से पनागा बनाए, उनको फिर हमने बेहतर किया, उनकी स्टैंडर्ड, उनके SOPs बनाए, अब हम उनको फैलाएंगे। इसी तरह हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया, हमारी बस जाती है गरीब इलाकों में, लोगों को खाना देती है, अब हम ये बसेस बढ़ाते जाएंगे। अभी हमारे पास 12 बसेस हैं, हम हमारा है कि अगले 6 महीने में 50 ट्रक हमारे जाएं गरीब इलाकों के अंदर, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा जो अब हम करने जा रहे हैं वो है कामयाब पाकिस्तान। अब ये मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम आने वाला है। कामयाब पाकिस्तान के अंदर क्या होगा कि जितने 40% जो हमारे ख़ानदान हैं जो निचले तबके में हैं, उनके लिए एक घर के अंदर एक को टेक्निकल एजुकेशन मिलेगा, सारे घर को हेल्थ कार्ड मिलेगा ताकि वो अपना उनका इलाज हो जाए, एक हम उनको माइक्रो फाइनेंस से अपना घर दे बना के उनकी उनको कर्ज़ा लेके दे रहे हैं। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो क्या करेंगी कि अगर मैं अपना घर बनाना चाहूँ तो उनको पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में फाइनेंस मिलेगा, माइक्रो फाइनेंस से कर्ज़े दिलवाएंगे ताकि वो जो किस्तें देते हैं अपने अपने किसी किराए के घर में रहने के लिए, वही किस्तें दे के उनको अपना घर हो जाए। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा चीज़ होगी, और साथ फिर हेल्थ कार्ड मिलेगा। यानी 4 चीज़ें दे रहे हैं, कर्ज़ा, और कर्ज़े मिलेंगे सूद के बगैर। तो शहरों के अंदर कर्ज़े देंगे ताकि अपनी कोई छोटी सी बिजनेस कर ले, देहात के अंदर कर्ज़े देंगे ताकि किसान अपनी मदद कर सके सूद के बगैर। ये हमारा इंशाल्लाह इसी महीने लॉन्च होने लगा है हमारा कामयाब पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा है। फिर कानून की बालादस्ती, तो पहले तो फलाही लियासत की तरफ हम इंशाल्लाह हमारा पूरा जोर है कि हम, और फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि एहसास का प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है दिसंबर में। 40% गरीब ख़ानदानों को जो चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, हमारे पास पूरा डेटा हो गया। दूसरी चीज़ कानून की बालादस्ती, ये हमारी सबसे बड़ी इस वक्त जहाद चल रही है। जहाद ये है कि पाकिस्तान में ताकतवर एक कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून। ये जो कानून ताकत की बालादस्ती है, इसको कानून की बालादस्ती में लेके आना चाहते हैं, ये सबसे मुश्किल काम है। इसमें मुझे आप सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये वही कब्ज़े ग्रुप हैं जो कि ताकतवर हैं, गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, ये वो सियासतदान हैं, चोरी करके पैसा बाहर ले गए हैं, और इनको हाथ डालो तो कहते हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट करा देंगे। इनको, इनके ऊपर हमने पूरा हाथ डालना है, और एक लोगों को आज़ाद करना है, लोगों को कानून दे के, इंसाफ दे के आज़ाद करना है, ये दूसरा है। और तीसरा खुददारी, हम ये वो मुल्क बनाना चाहते हैं जो इंशाल्लाह एक अपने पैर पे खड़ा हो, कभी किसी से हमें भीख ना मांगनी पड़े, कर्ज़े ना मांगने पड़े, किसी के सामने हम एड दे के अपनी उनकी जंगों में ना शामिल हों, क्योंकि वो हमें पैसे दे रहे हैं तो हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं। एक खुददार, एक आज़ाद मुल्क, और ये भी एक, जब कौम एक फ़ैसला कर लेती है कि हमने दुनिया में अपनी हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त करवानी है, तो इज़्ज़त तब होती है जब एक कौम अपनी खुद इज़्ज़त करती है। जब एक कौम खुद इज़्ज़त करती है, वो खुददार कौम बन जाती है, उसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। तो ये मेरे 3 एम हैं, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि 5 साल के बाद, अब ये जो हमारा टर्म ख़त्म होगी, लोग देखेंगे 5 साल पहले क्या था पाकिस्तान के हालात और 5 साल के बाद क्या। जी, वक्त क्योंकि कम है, हम अब आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर से बात करेंगे। जिनकी कॉल नहीं लग सकी, आप अगली बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हमें ये एहसास है कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं, उनका टेलीफोन जो है थ्रू नहीं होता। हम इस प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी इंशाल्लाह बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से बात कर सकें। आखिरी कॉलर आज के हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान
जी इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुल्कदन हैदर अर्ज कर रहा हूँ जिला रहीमिया खान से। करप्शन के खिलाफ आपने जो बड़े बड़े बुर्ज गिराए वो आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की अकासी करती है जो काबिल तारीफ है। आज आपसे ब्राह रात बात का मौका मिला जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। मुझे और मुझ जैसे हजारों लोगों को फौरी इंसाफ की आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं आपको जनूबी पंजाब की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर नजरसानी की दरख्वास्त करता हूँ कि मुकम्मल तहकीकत करवाई जाएं। गुज़िश्ता चंद सालों से प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने बतौर वीसी यूनिवर्सिटी का चार्ज संभाला और मुलाजमीन पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए। चंद ही महीनों में अरसा 6 साल से काम करने वालों को वजह बताए बगैर 200 से जायद मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए और इनका दाखिला यूनिवर्सिटी में ममनू कर दिया गया। आवाज उठाने पर हमें संगीन किस्म की धमकियां दी गई जिस पर मैं इसका तहकीकात करेंगे हम कि क्या इसकी हकायक और गवर्नमेंट पंजाब से बात भी करेंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो मेरे लिए हुकूमत के लिए तकलीफ दे रहा है, वो जो महंगाई है। अब महंगाई कई वजूहात से है। एक है कि आपकी इम्पोर्ट्स, जब आप चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं खाने पीने की चीज़ें, तो जब रुपया, जब हमारा प्रेशर पड़ा और रुपया नीचे आया, तो और रुपया क्यों नीचे आया, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा खसारा करके छोड़ के चले गए, जो जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, यानी डॉलर्स हमारे कम हो गए मुल्क में, उसकी वजह से रुपये गिर गया, डॉलर की कीमत ऊपर चली गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई। एक तो वो है। दूसरा हमारा मसला ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो किसान चीज़ें प्रोड्यूस करता है और वो जो बिकती हैं आके शहरों में रिटेल में, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अब उसको हम कम करने के लिए, ताकि किसान को भी ज़्यादा पैसा मिले और लोगों के लिए भी सस्ती चीज़ें, उसके लिए हम स्टोरेज 800 नई स्टोरेज बना रहे हैं, क्योंकि किसान के पास अगर स्टोरेज हो जाए तो फिर उसको जल्दी जल्दी अपना सामान नहीं बेचना पड़ता। और उसको अगर हम क्रेडिट दे दें, किसान कार्ड लेके आ रहे हैं ताकि उसको, उसके पास कर्ज़ा भी आ जाए, ताकि वो आरती के पास ना जाए और फिर उसकी भी चीज़ महंगी बिके और लोगों के लिए भी सस्ती हो, तो उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको कहना चाहता हूँ, ये मेरे पास टेबल है, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं आज, इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। हमारे से ऊपर है अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनिसिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला, यानी हम इन सारे मुल्कों में से, ये पूरी मेरी लिस्ट है, इनमें से आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। पेट्रोल लोग बदकिस्मती से लोग हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। कीमत क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि बाहर तेल बड़ी तेज़ी से महंगा हो गया, पता नहीं कितना, 6 महीने में किधर से किधर पहुँच गया तेल, 47% बढ़ा है तेल दुनिया में। तो हम क्योंकि इम्पोर्ट करते हैं तो हमें भी बढ़ाना पड़ता है। तो दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है सिर्फ। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इम्पोर्ट करते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। सिर्फ जो 27 मुल्क जिन्हों में हमारे से ज़्यादा सस्ता है, वो खुद उनके मुल्क में तेल है, उनको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। तो जो इम्पोर्ट करते हैं मुल्क, जिस तरह पाकिस्तान है, हम दुनिया में आज सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल हमारे मुल्क में। कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं कीमतें नीचे लाने के लिए, यानी हमारा सारा वक्त, हर हफ्ते मीटिंग होती है कि कैसे हमने रोकना है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। मैं और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो तनख्वाहदार तबका है, उसको तो वाकई हिट हुई है कि अगर आपकी तनख्वाहें हैं तो जब चीज़ें ऊपर गई हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किल वक्त है और उनके लिए हमने अभी सैलरी उनकी इंक्रीज़ की है, बढ़ाई है इस बारी। लेकिन जो बाकी किसान हैं देहात में, उधर तो 1100 अरब रुपया पहली दफ़ा मज़ीद इजाफी किसानों के पास किया है। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा किसानों के पास नहीं गया, क्योंकि कभी गंदम की ये रेट नहीं मिली, कभी गन्ने का ये रेट नहीं मिला, कभी मकई का ये रेट नहीं मिला। तो ये जो
रेट जो इजाफी पैसा गया है, एक तो वहाँ उनकी इनकम बढ़ी है, दूसरा इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह का इस वक्त पैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बन रहा है या इंडस्ट्रीज बना रही हैं, मुझे लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। कंस्ट्रक्शन के अंदर जिस तरह की इस वक्त आज पैसा बन रहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो आज ज़मीन की कीमतें चली गई हैं प्लॉट्स की और घरों की, ये भी कभी किसी के पास इतना पैसा नहीं आया। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इंडस्ट्री वाले हैं, आप अपने जो मजदूर हैं उनकी आप ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाएँ, क्योंकि जब आपको इतना फ़ायदा हुआ है तो उनके ऊपर भी उनको भी फ़ायदा करवाएँ जो मज़दूरों को है। लेकिन जो सैलरीड लोग हैं, मुझे पता है आपकी मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह जिस तरह हमारा अब टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है, आपको पता है हमने इस बारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में अभी टैक्स इकट्ठा किया है, और इंशाल्लाह जो हम FBR में अब और इस्लाहत कर रहे हैं, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, तो हमारी आमदनी और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी इंशाल्लाह हम अपनी सैलरीड क्लास की भी मदद करेंगे, और हम यही पैसा लगाएंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने किसानों के लिए, ताकि उनकी पैदावार बढ़े। जब हमारी पैदावार बढ़ेगी तो उससे फिर हमारी जो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये नंबर नोट कर लें सिटीज़न पोर्टल का, 051-900-111-9000-111। आप अपनी शिकायत इस पर भी दर्ज कर सकते हैं, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।